5503 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, फिफ्थ लार्जेस्ट एरिया वाइज, एंड देन जियोग्राफी, इकोनॉमी, फैक्ट्स एंड हिस्ट्री। ये कुल्लू की इंफॉर्मेशन आपने देखनी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट की तरह जैसे हमने देखा, यहां पर भी जो कुल्लू है, एज वी कैन लोकेट इन द मैप, इट्स शेयर द बाउंड्री नॉर्दर्न साइड विद लाहौल स्पीति एंड देन सदर्न साइड शिमला एंड मंडी एंड नॉर्थ ईस्ट साइड किन्नौर एंड शिमला एंड ईस्टर्न साइड बड़ा बंगाल ऑफ कांगड़ा। ईस्टर्न नहीं, वेस्टर्न साइड बड़ा बंगाल ऑफ कांगड़ा। तो ये इनके साथ इसकी बाउंड्री शेयर होता है। और ज्यादातर इसमें आप देखेंगे जो इसका जितनी भी इसकी फाइट्स होगी, या तो साथ में मंडी है या फिर इसके साथ में और सुकेत है, ये जो दो स्टेट हो गए, या फिर ऊपर वाला जो स्पीति है, स्पीति में आप देखेंगे 7th सेंचुरी में एक समुद्र सेन करके स्पीति का रूलर होता है, उसने कुल्लू के ऊपर भी काफी टाइम तक के लिए राज किया था, और कुल्लू उसकी एक जो ट्रिब्यूटरी है वो रही थी, उसको वो टैक्स देता था। तो निर्मण जो प्लेट है उस समुद्र सेन के टाइम का हमें देखने को मिलता है। तो ये इसके बारे में बताया गया है। और जो इन्फॉर्मेशन है कुल्लू के बारे में, एक द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एपीएफ हारकोट बुक लिखते हैं। एपीएफ हारकोट ने जो बुक लिखी है, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति, हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू लाहौल एंड स्पीति। और एक और बुक लिखा है जी सी ब्रूस ने, कुल्लू एंड लाहौल, द हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल, ये लिखा है हिमालयन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुल्लू एंड लाहौल स्पीति, ये लिखा है एपीएफ हारकोट ने। जीसी ब्रूस लिखता है कुल्लू एंड लाहौल। और एक जो और बुक है वो लिखी गई है बाय लाल चंद प्रार्थी, कुलदेश की कहानी। सो इन बुक्स के बारे में, ये जो बुक्स है ये इसकी इंफॉर्मेशन बताती हैं। और यहां भी देखेंगे आप, कुल्लू अपने आप में जो है एक इसका इंपॉर्टेंट रोल रहता है। यहाँ का जो वैसे भी हिमाचल, पूरा जो हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है, जो निर्मंड है उसको कुल्लू की छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ कुल्लू का, चाहे हम दशहरा की बात करते हैं ना, या यहाँ फिर डोंगरी जो यहाँ की एक जातर है, हिडिम्बा मंदिर में लगती है, या फिर भड़ोली का जो फेस्टिवल है, या फिर जो भुंडा फेस्टिवल है। तो कुल्लत हमने देखा जो फोर हमारे एनिशेंट हमारे जो महाजनपदास थे उसमें कुल्लत भी एक था, जिसके बारे में हमें विष्णु पुराण है, महाभारत है और आज तरंगिनी है, इसमें जो है हमें कुल्लू का जो जिक्र है वो देखने को मिलता है। तो इसमें आप देखेंगे इसका जो पहले ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है कुल्लू में, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो फर्स्ट रेंजेस, यहाँ कौन कौन सी जो रेंजेस है वो कुल्लू में देखने को मिलती है। वी हैव अ ग्रेटर हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, पीर पांजाल, देन दौलाधार, ये जो तीनों रेंजेस हैं वो यहाँ देखने को मिलती हैं। एज वी नो ग्रेटर हिमालयाज जो रामपुर बुशहर में, जिसको कि बाइसेक्ट कौन कर रही है, ग्रेटर हिमालयाज को बाइसेक्ट जो है रामपुर बुशहर के पास से हमारा जो दौलाधार है वो भी बाइसेक्ट हो रही है, और वहाँ से साथ साथ ये चलती है। और ग्रेटर हिमालयाज यहाँ पर जो नॉर्दर्न साइड में है, वैसे तो दौलाधार है बद्रीनाथ में, इससे अलग हो जाती है, तो नॉर्दर्न जो मोस्ट बाउंड्री है कुल्लू की वो ग्रेटर हिमालयाज बनाता है। ये स्पीति के साइड में जो बाउंड्री बन रही है, किन्नौर में बीच साइड से ये निकल रही है, और आगे जो कुल्लू को लोअर और कुल्लू को जो स्पीति से अलग कर रही है वो कौन सी रेंज है, ग्रेटर हिमालयाज है। और अप टू रोहतांग, रोहतांग तक के लिए ये जाती है, और रोहतांग से इसका जो टर्न है वो हो जाता है लाहौल एंड स्पीति में। रोहतांग से ग्रेटर हिमालयाज लाहौल एंड स्पीति में मुड़ जाएगी, और यहाँ से आगे जो है इससे अलग होती है पीर पांचाल, है ना, थोड़े से रीजन में। ये कहाँ बनाती है, लाहौल के साथ, मनाली वाला जो रीजन है ना, मनाली वाला जो रीजन है वहां से पीर पांचाल इसके साथ बाउंड्री बनाती हुई चलती है, और वहाँ जो पीर पांचाल है वो अलग निकल जाती है। फिर आपने देखा जो ये बड़ा बंगाल है हमारा, या बड़ा बंगाल
कांगड़ा का धौलाधार और जो बड़ा बंगाल है, इसकी जो बाउंड्री है यहाँ आपस में शेयर करती है। ये मीटिंग प्लेस भी है, हम कह सकते हैं इसको, जो बड़ा बंगाल और हमारा बड़ा बंगाल का जो धौलाधार और पीर पांचाल है, यह दोनों आपस में मिलती हैं। और उसके बाद चंबा को दो पार्ट में डिवाइड करके एक साइड पांगी है, दूसरी साइड से चंबा है और निकल जाती है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस तरह से जो पीर पांचाल है वो निकल जाती है। तो इन रेंजेस में आप देखेंगे जो है वो बड़े सारे पासिस भी है क्रॉस करने के लिए। और लास्ट जो है इसमें है कुल्लू वैली, हमने अपने आप में देखा कुल्लू जो वैली है ये कैसी वैली है, ट्रांसवर्स वैली है। व्हाट इज ट्रांसवर्स वैली? ट्रांसवर्स वैली एंड स्ट्राइक वैली मैंने आपको बताया था। द वैली विच इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रिवर, जिधर को रिवर चल रही है उस साइड को ही वैली का भी फॉर्मेशन हो रहा है। दिस वैलीज आर नोन एज द ट्रांसवर्स वैली। ये इंडियन ज्योग्राफी का एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसवर्स वैली का। स्ट्राइक वैली हमने कांगड़ा देखी थी और ट्रांसवर्स जो वैली है वो कुल्लू है। फिर धौलाधार भी अगर आप देखेंगे, धौलाधार की जैसे हम बात ही कर रहे थे कि ये जो है हमारा बद्रीनाथ के पास इससे अलग हो रही है। बद्रीनाथ के पास अलग होने से कहाँ जाती है, जो रामपुर बुशहर है वहां इसको बाइसेक्ट कर रही है सतलज, और वहां से निकलती है। अब जब वहां से ये निकलेगी तो ये कुल्लू को डिवाइड करती हुई, कहीं कुल्लू को डिवाइड कर रही है इनर सराज और आउटर सराज में, कहीं कुल्लू को डिवाइड कर रही है और कहीं मंडी और कुल्लू के बीच में बाउंड्री बनाती हुई चल रही है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ये रामपुर बुशहर के पास से निकल रही है तो यहाँ यूं जा रही है ना, लगभग ये बंजार के पास से जो है वो वहां इसको जो लारजी के पास है वो इसको कौन कट करती है, ब्यास। अगर आप देखेंगे इसको जो रामपुर बुशहर में है वो सतलज बाइसेक्ट करती है, लारजी में फिर कौन काटती है इसको, ब्यास काटती है। और वहां से फिर से राइज होना स्टार्ट हो जाती है और आगे जो मंडी वाला ये गोहर वाला रीजन है, जोगिंदरनगर वाला जो मंडी का रीजन है, यहाँ फिर इसको ये डिवाइड करती है, सेपरेट करती है मंडी को किससे, कुल्लू से सेपरेट करती है। तो हम देख रहे हैं कुल्लू में ऐसे करके जो धौलाधार है ये निकल रहा है ना, एज वी कैन लोकेट इन द मैप लाइक दिस, यहाँ से ये जो है ऐसे धौलाधार मुड़ रहा है। तो हमने देखा धौलाधार का जो डायरेक्शन है वो क्या है, कैसे ये हिमाचल में जो इसने एंट्री है वो करी थी, जो हमारा चांचल वाला रीजन है, बिकॉज आपको पता है ना चांचल भी कहाँ है, चांचल भी धौलाधार में आता है। तो वहां से वो जो आ रही है रामपुर बुशहर में आ रही है, वहां उसका जो है सतलज उसको बाइसेक्ट कर रही है, फिर से जो है कुल्लू को वो इनर सराज और आउटर सराज में, जो ये सराज आता है ना कुछ मंडी में रीजन है इसका, सिराज तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है हमारे जयराम ठाकुर जी की, और आनी और निरमंड वाला जो रीजन है ये आउटर सिराज में आ जाएगा और बाकी जो है वो इनर सिराज में रहता है। तो ये सिराज को दो पार्ट में डिवाइड करती हुई निकलती है और यहाँ पर इसकी एक्सटेंशन भी है जिसको हम क्या बोलते हैं, जलोड़ी रेंज एंड निरमंड रेंज, जलोड़ी रेंज एंड निरमंड रेंज। बड़ी सारी जो रिवर्स है यहाँ से निकलती है, आप देखेंगे जैसे हमारी जो सैंज है सिप्पाकोनी एक पीक आती है लगभग, वो इसी जो हमारी रेंज है निरमंड रेंज यहाँ से निकलती है। तीर्थन अगेन अगेन आप देखेंगे तो वो भी किससे रहती है, निरमंड रेंज से ही निकलती है। तो इस तरह से जो कुल्लू है वो दो पार्ट में वहां पर डिवाइड हो रहा है। और वैसे भी अगर आप कुल्लू को देखेंगे, सेवन बजीरी है, वी हैव सेवन बजीरीज इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, उसकी मैं अलग से बात करूंगा। बट इसमें अगर आप आज हम कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज भी देखेंगे, जो हमारा बड़ा बंगाल है, बड़ा बंगाल के साथ एडजॉइनिंग जो एरिया है दैट इज मनाली, कौन सा लगता है, मनाली लगता है। तो ये जो हमारी ब्यास आ रही है मनाली के पास, यहाँ पर आप देखेंगे इसकी बड़ी सारी ना जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी है, जैसे सुजॉइन है, फोजल है, सरबरी है, इस तरह की जो इसकी बड़ी सारी है वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है, राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज पता है, तो ये इसकी राइट और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। फिर आप वहां से आगे चलेंगे वजीरी जो रूपी वाला रीजन आता है, फिर पार्वती भी एक अपनी जो वैली है पार्वती बनाती है, पार्वती के बाद अगली सहज आ जाएगी, सहज के बाद तीर्थन आएगी है ना, फिर जो तीर्थन के बाद है वो ये जो रीजन है वो हमारी जलोड़ी रेंज आ जाती है और बाहर को आनी और निरमंड आता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो हमारा जलोड़ी वाली रेंज है ये एक साइड को किसको कर रही है सेपरेट, आनी और निरमंड को, और पिछली वाली साइड को कौन रहा है इसके, बंजार। तो ये इस तरह से जो कुल्लू की फिजियोग्राफी है वो देखने को मिलती है, पहले मनाली है, मनाली के साथ लग रही है कुल्लू कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर उसके साथ लग रही है बंजार, और बंजार के साथ अगली जो जलोड़ी से बाहर वाली है वो निरमंड की, निरमंड और जो आनी है वो कॉन्स्टिट्यूएंसी लगती है। मैंने बताया आपको निरमंड के बारे में, यहाँ पर किसको पूजा जाता है, लॉर्ड परशुरामा को पूजा जाता है, जो कि किसके सन है, माता रेणुका के ना, उनकी जो माँ है, उनकी जो तपोस्थली है या जो उनकी
उनकी जो रिलीजियस प्लेस है वो रेणुका है। तो यहाँ पर परशुराम जी को पूजा जाता है। और आपने देखा यहाँ भूंडा जो फेस्टिवल है वो भी मनाया जाता है ना। क्यों मनाया जाता है इसकी हम बात करेंगे। तो इस तरह से जो निरमंड है, और इसको छोटी काशी भी वहाँ की कुल्लू की कहा जाता है, और वन ऑफ द लार्जेस्ट विलेज इन हिमाचल प्रदेश, ये सबसे बड़ा जो गांव है इसको कहा जाता है। तो ऐसे ये कुल्लू को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये मोटा मोटा जो तरीका है, ये जो तो यहाँ इसकी जो फिजियोग्राफी है वो कुल्लू की देखने को मिलती है। अगेन हमने बोला देवों की भूमि के नाम से भी जानी जाती है, बिकॉज यहाँ पर बड़े सारे जो मंदिर है जिसमें हम करते हैं, रघुनाथ जी का मंदिर है, हिडिम्बा है ना, जिसको कि कुल्लू की जो बूढ़ी देवी है ना, या एक इसकी जो तब तक के लिए आपने देखा होगा दशहरा जो फेस्टिवल है वो स्टार्ट नहीं होता है जब तक के लिए कि हिडिम्बा जो देवी है उसमें वो पहुंचती नहीं है। और फिर आपने देखा होगा जैसे संध्या देवी का मंदिर है, त्रिपुरा सुंदरी है नगर में, और महिषासुर मर्दिनी यहाँ पर बिजौरा में है, बशेश्वर महादेव है। तो इस तरह के जो बड़े सारे गौरी शंकर है अगेन नगर में, तो इस तरह के जो बड़े सारे जो टेम्पल है वो कुल्लू में सिचुएटेड है। जामलू देवता का अपने आप में जो मलाना है वहाँ उनको उनकी मान्यता है, वहाँ उनको पूजा जाता है ना, जो कि लॉर्ड परशुरामा के फादर माने जाते हैं, और परशुराम जी को निर्मल में पूजा जा रहा है। तो इसीलिए अपने आप में ये भी देवभूमि अलग ही है, वैली ऑफ गॉड के नाम से भी जानी जाती है। और जियोग्राफी वाइज हम इसको देखेंगे तो ट्रांसवर्स वैली है, द वैली विच इज अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रिवर। ये यहाँ की जो मेन रेंजेज है, ग्रेटर हिमालयाज है, पीर पंजाल है और दौलाधार है। हमने देखा किस तरह जो बाउंड्री है ग्रेटर हिमालयाज बना रही है, और किस तरह से जो पीर पंजाल है वो बाउंड्री बना रही है ना, और बैरियर प्रोवाइड कर रही है कुल्लू और स्पीति को, इससे अलग कर रही है। तो ये जो इसकी रेंजेज है वो कुल्लू रेंज में, कुल्लू में देखने को मिलती है। देन इसके बाद जब हम इन रेंजेज को देखते हैं तो देन वी हैव अ पासेस। ये जो पासेज है ये भी इन्हीं रेंजेस में देखने को मिलेंगे, या तो दौलाधार वाली रेंज में होगी, आइदर इन पीर पंजाल, आइदर इन ग्रेटर हिमालयाज। तो सबसे पहले अगर आप ग्रेटर हिमालयाज में जो देखेंगे वो कौन कौन से पासेज है, जैसे हामटा हामटा है एंड सारा उमगा है, और ये ग्लेशियर भी है, और उसके बाद है पिन पार्वती, पिन पार्वती। ये जो तीन पासेज है ये कहाँ है, ग्रेटर हिमालयाज में। मींस किसके बीच में हो गए ये, स्पीति और नॉट लाहौल, स्पीति, क्योंकि लाहौल और स्पीति भी अपने आप में दो अलग अलग है। तो इसको तो कुंजुम रेंज अलग कर रही है, कुंजुम रेंज अगेन किसका एक्सटेंशन है, ग्रेटर हिमालयाज का। तो कुंजुम इसको तो सेपरेट कर रही है, दो अलग अलग वैलीज बन रही है। अगर आप देखेंगे ना स्पीति में तो बहुत कम हो रहा है रेनफॉल है कंपैरेटिवली, लाहौल में फिर भी स्पीति से थोड़ी सी जो रेनफॉल है वो ज्यादा है। हमने देखा था ना रीजन की क्यों जो स्पीति में हिमाचल में सबसे कम जो रेनफॉल होता है, बिकॉज जो मॉनसून विंड्स है वो क्रॉस नहीं कर पाती है, दूसरी साइड क्रॉस नहीं कर पा रही है, इसीलिए जो प्रेसिपिटेशन है वो बहुत कम हुआ देखने को मिलता है। तो जो स्पीति है अपने आप में वो एक ड्राइस्ट जो है, इसको हम यहाँ का जो एक शुष्क, एक जो जिसको हम कोल्ड डेजर्ट के नाम से है वो भी जानते हैं हिमाचल का, स्पीति को। तो इस तरह से जो हमारी मॉनसून विंड है वो क्रॉस नहीं कर पाती है। ये जो पासेज है ये स्पीति और कुल्लू के बीच में है, दैट इज हामटा सारामगा एंड पिन पार्वती। पिन पार्वती सारामगा भी ग्लेशियर है, पिन पार्वती की हमने बात करी थी, इसके जो टॉप में है मंतलाई लेक है, मंतलाई लेक से एक साइड से पार्वती निकलती है, और बैक साइड को कौन जा रही है, बैक साइड को इधर से निकल रही है पिन। पिन आपको पता अपने आप में किसकी ट्रिब्यूटरी थी, स्पीति की थी, है ना, लिंगटी कैब्जियन पिन, ये जो है अपने आप में आ रहा है आगे। पिन वैली के प्लेन भी बनाती है स्पीति में जा करके। तो इस तरह से जो ये पिन पार्वती है वहां से निकल रही है। और फिर अगर आप पीर पांजाल में दूसरा पास देखेंगे तो इसमें आता है रोहतांग, वन ऑफ द छोटे मोटे पासेज और भी है, इतना ज्यादा डिटेल में आई थिंक नहीं पूछे गए हैं आज तक। तो जो रोहतांग है इसको भृगुतुंग के नाम से भी जानते हैं, ऐसा माना जाता है। 3978 जो मीटर है इसकी हाइट है, मोटरेबल है ये भृगुतुंग, या कॉप्सेस ऑफ, या मड ऑफ कॉप्सेस भी इसको बोला जाता है। कि कहते जब जो पुराने टाइम में है जो लाहौल के लोग थे, जब उनको वहां से लाहौल वैली से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं था, सो दे रिवर्ड द लॉर्ड शिवा, और लॉर्ड शिवा ने अपने जो उस त्रिशूल से इस पर्वत को काटा था, इसीलिए आज भी त्रिशूल के टाइप का जो ये रास्ता है वो दिखता है, दोनों साइड पहाड़ है, बीच से ये कटा हुआ दिखता है। और मड ऑफ कॉप्सेज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि बड़े सारे जो लोग हैं उस पास को क्रॉस करते हुए उनकी डेथ वहां पर हो जाती थी, इसीलिए इसको मड ऑफ कॉप्सेज भी कहा जाता है। तो इस वैली के लोगों को अगर क्रॉस करना होता था तो बाया रोहतांग जो है उनको आना पड़ता था। अब तो हमारे पास इसके जो अंडर है वो क्या बन गया हुआ है, रोहतांग टनल बन गया है। कितनी लेंथ है रोहतांग टनल की,
इसने लगभग जो रोहतांग टनल है वो 40 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो कम कर रखा है। ये जो है रोहतांग टनल इसके अंडर बना हुआ है। तो अब तो ये जो लोग हैं ऑलमोस्ट इनका कनेक्टेड ही रहते हैं ये पूरे टाइम के लिए, इनकी जो वैली है। तो इस तरह से ये पीर पांजाल के नीचे हमने रोहतांग टनल है 9.2 किलोमीटर का जो है, 0.2 किलोमीटर का हमने जो ये टनल है वो बना रखा है। पीर पांजाल के नीचे ही ये बना हुआ है। ये लाहौल और किसको कनेक्ट करता है, ये कुल्लू को कनेक्ट करता है, मनाली को कनेक्ट करता है। तो यहाँ से आप देखेंगे जो स्पीति के लोगों ने, अगर स्पीति के लोगों ने वाया कुल्लू जाना है तो फर्स्ट दे हैव टू क्रॉस द रोहतांग पास, है ना, अर्लियर द अटल टनल। अर्लियर जब अटल टनल नहीं था उसके बाद उनको कुंजुम पास, कुंजुम पास इससे भी ज्यादा हाइट में है उसको फिर क्रॉस करके उनको स्पीति पहुंचना होता था। वाया किन्नौर भी जा सकते हैं वो, बट उस टाइम उस टाइप से जो रोड है वो इतना अच्छा नहीं है, तो इसलिए जो इनका रास्ता है वो यही था। और पांगी के लोगों को भी अगर वाया कुल्लू जाना है तो उनको भी रोहतांग क्रॉस करके ही वहां जाना होता था। सो दीज आर द पासेज विच इज सिचुएटेड इन द ग्रेटर हिमालयाज, है ना। देन उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज और पीर पांजाल में है, और उसके बाद जो हमारे और पासेज है वो है दौलाधार रेंज में। अब जो दौलाधार रेंज है, दौलाधार रेंज में आपने देखा, एक तो इसमें हम कौन से पास की बात कर रहे थे, दुलची है, दुलची है। ये मैं वो पासिस बता रहा हूँ, रेंज वाइज तो है ही है, दूसरी डिस्ट्रिक्ट के साथ है। दुलची किसके बीच में है, मंडी और कुल्लू, मंडी और कुल्लू के बीच में दुलची है। और इसके साथ ही जो दूसरा पास है दैट इज प्रजानंद गलो, प्रजानंद गलो, ये भी मंडी और कुल्लू के बीच में है। और तीसरा यहाँ है भूभू, ये जोगिंदर नगर को कुल्लू से कनेक्ट करता है, जो गोहर वाला रीजन है। आप देखेंगे ये भी किसी टाइम कुल्लू का पार्ट हुआ करता था, पर मंडी और का जो राजा था उसने ये ले लिया था इनसे, है ना। ये जो गुमा की द्रंग, यहाँ की जो गुमा और द्रंग की इसकी सॉल्ट की माइंस है ना, वो भी जो ही राजा पावरफुल होगा, आप देखेंगे कुल्लू पावरफुल हो रहा है तो उसका कब्जा इसके ऊपर हो जाएगा, मंडी पावरफुल हो रहा है उसका हो जाएगा, सुकेत पावरफुल हो रहा है उसका हो रहा है। तो ये जो है आपस में इन फाइटिंग इनकी देखने को मिलेगी कभी बुशहर के साथ। बुशहर तो कंपैरेटिवली बड़ी रियासत थी, ज्यादातर इसकी लड़ाइयाँ वहाँ देखने को नहीं मिली। ये जब भी ये कुल्लू के राजे, इनकी मंडी मुंडी वालों के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो ये भाग करके कहाँ चले जाते थे, बुशहर रियासत में। तो इस तरह से जो है इनकी इनका जो ज्यादातर बैटल्स है वो या स्पीति के साथ या लद्दाख के साथ या फिर जो है सुकेत और मंडी के साथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर मंडी के साथ इसके जो पासेज है, दुलची है, प्रजानंद गलू है और भूभू है। ये जो भूभू है जोगिंदर नगर को ये कनेक्ट करता है कुल्लू से, ठीक है। और तो वैसे ही आप देखेंगे ये जो इनके और बाहर वाले डिस्ट्रिक्ट के साथ है, एक तो मंडी के साथ हमने देखे, दूसरे लाहौल और स्पीति के साथ देखे, फिर एक जो इसका मनाली वाली रीजन है वो किधर को लग रही है, ये लग रही है कांगड़ा के साथ। वहां भी मैंने ऑलरेडी आपको बता रखे थे जो कांगड़ा के बड़ा बंगाल और किसके बीच में है, कुल्लू के बीच में या मनाली, मनाली डिस्ट्रिक्ट तो कुल्लू आएगी, इसके बीच में भी हमने देखे थे जैसे तैंती, तेंतु, तेंतु का जोत है और सरी, सरी गलू, अगेन गलू पता है आपको, देन भैरियंगा एंड काथी कुकारी। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन जो उनकी डायलेक्ट्स में है लोग अलग करेंगे, दैट डजेंट मीन, है ना, मंडियाली में क्या बोलते हैं इसको या फिर कांगड़ी में क्या बोलते हैं वो नहीं है हमारा कंसर्न। तो ये जो है वो मनाली और कुल्लू के साथ में ये पासिस है, तेंतु का जोत है, सरीगलू है, भैरियंगा है और कथी कुकारी है। ये कुल्लू के हमने देखे चारों साइड। अब इसके शिमला वाली साइड को कोई पास नहीं है, देखो कुल्लू शिमला वाली साइड को भी बना रहा है, बिकॉज क्यों नहीं होगी, क्योंकि वो फिजियोग्राफी ऐसी है ना, पास तो कहाँ होगी, हमेशा रेंजेज में ही रहेंगे। तो ये जो पासिस है ये इसके कुल्लू के बाहर वाली साइड को है। तो अब आपका क्लियर सा जो मैप है, यू कैन नाउ विजुअलाइज, है ना, कि किस साइड को हमारा जो पीर पांजाल है, किस साइड को ग्रेटर हिमालय है, किस साइड को रोहतांग है। देन क्योंकि रिचेज में ज्यादा चले गया, यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा क्या, हमारा जो शिवालिक से, शिवालिक ज्यादातर यहाँ देखने को नहीं मिलती है। हालांकि जो इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ये 1200 मीटर की सी लेवल से इसकी हाइट है ना, बट जो शिवालिक से एज सच वो यहाँ देखने को नहीं मिलती है। तो ये इस कुल्लू में है ये सारे के सारे जो है पासेज है। और जो अब हमने देखा
अब जैसी मैं लाइन बना रहा हूं, आप किसी उसको जो है रेंज को है वो एक लाइन में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, वो उसके बड़े सारे एक्सटेंशन भी है। जैसे मैंने आपको बताया हमारी जो दौलधार है ये भी एक्सटेंड हो रही है, वहाँ उसकी एक्सटेंशन है, जलोड़ी पास है, और हमारा जो ये श्रीखंड रेंज है या निर्मंड रेंज मैंने लिख रखी है, इसको श्रीखंड रेंज के नाम से भी जानते हैं। तो हमारी जो ये निर्मंड की रेंज है, श्रीखंड रेंज रेंजेज जो आती है, श्रीखंड महादेव अपने आप में वैसी रिलीजियस प्लेस है, तो वहां पर भी एक साइड से दूसरी जगह क्रॉस करने के लिए इनमें भी पासेज आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट में अपने अंदर ही है। तो वो कहीं पर जो है वो दौलाधार की एक्सटेंशन है, उनमें ये जो पासेज है वो देखने को मिलती है। इसमें भी 7-8 पास थे, ये भी हमने ऑलरेडी देख रखे थे। जैसे नाम आता था खौली और घराऊ और रशोल, रांगची एंड खौली, घराऊ, रांगची, रशोल और था इसमें सीजोत एंड रांची, शीजोत, तैंती, एनिमल, चंद्रखैनी एंड चंद्रखैनी एंड जलोड़ी। ये जो 9 पासिस है ये इसके अपने ही अंदर में थे, खौली, घरौ, रांगची, रशोल, शीजोत, तैंती, एनिमल, चंद्रखैनी एंड जलोड़ी। ये कुल्लू के सारे जो पासिस है इन रेंजेस में किस तरह से ये सिचुएटेड है ये हमने देखा। उसके बाद देखो इसमें और क्या रहेगा जियोग्राफी में, वैलीज होगी, रेंजेज होगी, पासेज होगी, पीक्स देखो, पीक्स में भी बड़ी सारी जो पीक्स है वो कुल्लू में देखने को मिलती है, हाई रिचीज है, जैसे साच, साच पास कहाँ था ना, तो साच जो पीक है वो कुल्लू में देखने को मिलती है, सोलांग है और श्रीखंड है, 5227 इसकी जो हाइट है वो रहती है। और साच, सोलांग, श्रीखंड है और इसमें शिटीधार, वैसे कई बार हो सकता है स्टेटमेंट टाइप में, वैसे तो एचएस में बहुत कम है। ये जो वन डे एग्जामिनेशन होते हैं ना, वन डे एग्जामिनेशन मतलब ये जो छोटे छोटे एग्जाम्स होते हैं ना उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या स्टेटमेंट में कहीं एचएस में हो इस तरह से, अदरवाइज तो नहीं। शीटीधार है और यहाँ पर पतालसू, और है इसकी मेवा कुनिंदो, और इंद्रासन, इंदर किला, पिन पार्वती एंड घोरालिन तीनू, डीबी बोकरी पिरामिड,
दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ कुल्लू, 6491 मीटर है इसकी। और हनुमान टिब्बा ये दोनों में है, कांगड़ा एंड सारामगा है। तो ये जो पीक्स है वो कुल्लू की देखने को मिलती है ना। साच, सोलांग, श्रीखंड, शीटीधार, पतालसू, मेवा, कुनिंदो, इंद्रासन, इंदर किला, पिन पार्वती, गोरा लिंतिनु, डीबी बोकरी पिरामिड है, हनुमान टिब्बा है और सारा पीक या उमगा पीक के नाम से भी ये जानी जाती है। ये यहाँ पीक्स है। फिर उसके बाद जियोग्राफी में और है रिवर्स। रिवर्स भी आपको पता है कुल्लू में दो मेन रिवर है, एक तो है ब्यास एंड सतलज। सतलज हल्की सी बाउंड्री बनाती हुई चलती है, सतलज जो है वो हल्की सी बाउंड्री बनाती हुई चलती है कुल्लू और शिमला के बीच में। ज्यादा बड़ा रोल तो इसको इसका जो है वो देखने को नहीं मिलता है। ब्यास आपको पता है कहाँ से निकलती है, रोहतांग के ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड, और पहलचान में यहाँ से आगे क्या बन जाती है, ब्यास बन जाती है। ब्यास बनती है तो हमने इसकी बड़ी सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं ब्यास की वो देखी थी, जैसे कौन कौन सी थी ट्राइब्यूटरी, वन ऑफ द जो इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है वो है पार्वती, पार्वती एंड देन सैंज, तीर्थन, ये बड़ी ट्रिब्यूटरी है इसकी कुल्लू में। छोटी मोटी और भी है जैसे हारला है। सुजॉयन, सरबरी, फोजल, ये जो है इसकी और भी कुल्लू में चक्की नाला, ऐसी ऐसी जो छोटी छोटी और इसकी ट्रिब्यूटरीज है वो देखने को मिलती हैं। इनमें से जो मेन है वो है पार्वती। पार्वती कहाँ से ओरिजिन है इसका, मंतलाई से। मंतलाई से ओरिजिन है और इसकी अपनी जो ट्रिब्यूटरी है वो एक तो है मलाना नाला और दूसरा है तोश नाला। ये जो मनाला और तोश नाला है ये भी पार्वती की ही ट्रिब्यूटरी है। और मणिकरण, जो मणिकरण का गर्म पानी का जो ये झरना है उसका पानी भी इसमें जाता है पार्वती में। मलाना नाला और तोश नाला ये पार्वती की ट्रिब्यूटरी है। मंतलाई लेक से ये अपने आप में निकलती है। पार्वती वैली बनाने के बाद ये कहाँ मिल जाती है इसको, शमशी। शमशी जो कुल्लू है वहां पर ये इसको मिल जाती है पार्वती। और फिर जो ये सैंज है ये सिप्पाकुनी, सिप्पाकुनी पीक है वहां से निकलती है। और कहीं लिखा हुआ है तीर्थन सैंज में मिल रही है, कहीं सैंज तीर्थन में मिल रही है, ऑलमोस्ट ये उसमें मिल रही है, इसमें मिल रही है, दोनों ही ये लारजी के पास पास ही इसमें मिल जाती है ना। सैंज कहाँ मिल जाती है, नियर लारजी, लारजी की सैंज वैली बनाती है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में बहती है तीनों, सैंज, तीर्थन और जीबी भी एक आती है, और जो बेस्ट एंड मोस्ट बाउंड्री है वो बना रही होती है पार्वती। तो लारजी के पास कौन मिल जाएगी, सैंज मिल जाएगी एंड तीर्थन भी यहीं इसको मिल जाती है। ये श्रीखंड रेंज से निकलती है तीर्थन और ये भी कहाँ मिल जाती है, लारजी में। सैंज, तीर्थन और पार्वती इस तरह से मिल रही है। और ये जो हारला है ये बजौरा में मिल रही है, बजौरा में इसको कौन मिल रही है, हारला। बजौरा आप देखेंगे जो डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी है नौनी, उसका यहाँ रिसर्च सेंटर भी है और बजौरा में एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर भी है। एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर है वो भी बजौरा में है और एक जो वेजिटेबल रिसर्च सेंटर है वो तो कटराइन में है। तो ये जो हारला है वो यहाँ इसको मिलती है। सुजोयन, फोजल, सरबरी ये जो है ये राइट बैंक इसकी ट्रिब्यूटरीज है। मनाली से पहले पहले वाली जो साइड में है ये छोटी छोटी जो रिवर्स है वो इसमें मिल जाती है। तो
तो आपने देखा कैसे जो ये पालचान से मनाली वाले जो फिर नगर रायसेन कुल्लू है ना, और वहाँ से जो है मंडी में निकल जाती है, ओट के पास ही मंडी में निकल जाती है। और हमने देखे थे इसके क्या जो सारे के सारे, मैं दोबारा नहीं जा रहा हूँ इसमें, क्या इसको जो वेदों में बोलते हैं, क्या इसको जो है पुराणों में बोलते हैं, क्या संस्कृत में नाम है इसका, तो ये अब सब हमने देखा था। और उसके बाद सारा का सारा जो पानी है मेजॉरिटी वो किस में जा रहा है, ब्यास में जा रहा है। फिर सतलज हमने देखी थी, वैसे ये क्या बन रही है, बाउंड्री बना रही है शिमला और कुल्लू के साथ में। यहाँ जो आउटर सिरांज का है जिसमें हमने देखा था एक छोटी मोटी जो जैसे आनीखड़ है ना, और कुड्डी, और कौन सी थी, बेहा एंड कुरपान, कुरपण या कुरपान, ये जो रिवर्स है छोटी छोटी, इनका पानी किसको जा रहा था, सतलज को। ये आनी निर्वंड वाली रीजन में बहती है, इसका पानी ही सिर्फ सतलज को जा रहा है, बाकी जो सारे का सारा है वो ब्यास में रहता है। तो इस तरह से जो हमारी मनाली कुल्लू बंजार वाला रीजन है, सारे का सारा उसका जो बॉर्डर चैनल है, बॉर्डर कैचिंग है, वो किस में जा रहा है, ब्यास में। और जो पानी और निर्मल का है, और उसका किस साइड को रहता है, सतलज में। अगर आप देखेंगे जो ये करसोग, शिमला का कोटगढ़ कुमारसिन, और कुल्लू का शिमला का ये रामपुर, और आनी निर्मल, इनके कल्चर में प्रॉक्सिमिटी है ना। और फिर दूसरी साइड को आप देखेंगे जो ये हमारा बंजार वाला रीजन है ना, बंजार वाला जो रीजन है, इनका जो कल्चर सिमिलैरिटी है वो जो लगते मंडी के एरियाज है ना, और फिर जो मनाली के साथ वाला रीजन है, जो ये जोगिंदरनगर गोहर वाला रीजन है, इस तरह से जो है इनकी कल्चर जो सिमिलैरिटीज है वो भी देखने को मिलती है। सो दीज आर द रिवर्स ऑफ कुल्लू। अब इसके बाद और क्या रहता है इसमें जियोग्राफी में, फिर वाइल्ड लाइफ देखो, वाइल्ड लाइफ जो है यहाँ की वन ऑफ द बायोडाइवर्स डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, अच्छी बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर वी हैव अबाउट 3 नेशनल पार्क्स ना, 3 जो नेशनल पार्क है वो कुल्लू में देखने को मिलते हैं, जिसमें आपने देखा होगा हमारा सबसे पहला जो है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, मैंने वैसे ऑलरेडी ज्योग्राफी वाले सेक्शन में आई हैव टॉक्ड अबाउट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क इन माइन्यूट डिटेल। सो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क व्हेन इट वाज क्रिएटेड इन 1984, कितना एरिया था जब ये क्रिएट किया गया, 754.5 स्क्वायर किलोमीटर एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। और ये जो वैली है इसमें ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में कौन कौन सी रिवर है, जीबी और स्वेंज एंड तीर्थन, इनको ना अरेंज करने को भी पूछा जाता है, बेस्ट टू ईस्ट अगर आपने अरेंज करनी हो, कैसे करेंगे बेस्ट टू अरेंज इनको, या ईस्ट टू वेस्ट आपको अरेंज करनी हो। देखो सबसे उस साइड को कौन है, तीर्थन, ईस्टर्न साइड को कौन है, तीर्थन, फिर है स्वेंज है ना, फिर उसके बाद है पार्वती, जीवी तो छोटा सा ये राइबुलेट्स है, फिर है पार्वती, फिर है ब्यास। तो ये इनका जो ईस्ट टू बेस्ट है या बेस्ट टू ईस्टर्न डायरेक्शन में है, अगर इनको अरेंज करना हो तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और बेस्ट एंड जो मोस्ट बाउंड्री है वो कौन बना रही है, पार्वती। तो ये इतना जो इसका कैचमेंट एरिया रहता है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का। और आपको पता है यहाँ पर जो स्पीशीज है कौन कौन सी है, जैसे स्नो लेपर्ड है, और हिमालयन थार है, हिमालयन सैरो, और मस्क डियर, क्या क्या थे यहाँ, मस्क डियर, हिमालयन थार और स्नो लेपर्ड एंड हिमालयन सैरो, ये जो स्पीशीज है वो यहाँ पर देखने को मिलती है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में। फिर हमने देखा इसको 1999 में चेंजेस लाए गए थे, 1999 में जो हमने चेंज लाए वो क्या चेंजेस यहाँ लाए जाते हैं, इसमें हमने 2 चेंज लाए, एक तो जो तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और सेंज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और एक जो 5 किलोमीटर का हमने बफर जोन है, 5 किलोमीटर का, दैट इज 265.6 स्क्वायर किलोमीटर का,
ये जो हमने इसको इको जोन बना दिया। अगेन आपको पता है इको जोन क्या होता है, इसके बाहर वाला जो रीजन है ना, इसके बाहर वाला जो रीजन है इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है। अगेन हमने सब कर रखा है ये बायोडाइवर्सिटी एक्ट 1972, क्या डिफरेंस रहता है, इको जोन क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है और नेशनल पार्क क्या होते हैं, क्या इसमें जो डिफरेंस है वो रहता है, तो ये हमने देख लिया था सारा। तो वहां पर इसको हमने एक बफर जोन और इको जोन है ये क्रिएट किया जाता है। और जो दूसरा है सैंज, और जो ये तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी, सैंज और तीर्थन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसको भी हमने ऐड किया था। सैंज का जो रीजन है वो 90 स्क्वायर किलोमीटर का था और ये कितनी थी, 61 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये भी हमने इसमें मिला दी। और अब जो इसका टोटल एरिया है 754.5 प्लस 265.6 प्लस 90 प्लस 61, और ये जो टोटल है ये आएगा 1171। देखना जरा यही आ रहा है स्क्वायर किलोमीटर, तो ये जो है टोटल इसका एरिया रहता है। तो बहुत बार आपको देखने को मिलेगा ये जो एरिया है, इस तरह से भी पूछा होता है कौन सा इसमें ठीक है कौन सा नहीं है। तो दिस इज द एरिया ऑफ ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और फिर हमने देखा इसको 2014 में इट वॉज क्रिएटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट है, कालका शिमला हेरिटेज है हमारे पास, और एक है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। दो यूनेस्को हेरिटेज जो साइट्स है वो हिमाचल में देखने को मिलती हैं, ये ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क है। और दूसरा जो इसके बाद है वो है खीर गंगा, खीर गंगा, और तीसरा है इंदर किला। ये कब बनाए गए थे, 2010 में, और इनका एरिया खीर गंगा का 710 स्क्वायर किलोमीटर और इसका 104 स्क्वायर किलोमीटर। ये बुक में लिख रखा है 102 है ना, इसको करेक्ट कर लेना, 102 नहीं है, 104 स्क्वायर किलोमीटर है जो इनका ऑफिशियल साइट है, वहां पर इसकी इतना जो एरिया है वो बताया गया है। खीर गंगा है, इंद्र किला है। तो ये जो तीन नेशनल पार्क है ये कुल्लू में देखने को मिलेंगे। देन अगेन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारे पास कितनी है, इसमें एक तो है मनाली और कनावर और पोखंड एंड कैस। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कुल्लू में देखने को मिलती है। मनाली के पास सबसे नजदीक वाला टाउन 1954 में, ये भी कब, 1954 में ही चारों क्रिएट की गई है। और कनावर का नजदीक वाला टाउन कौन सा है, मणिकरण, मणिकरण, और कोखंड का है भुंतर। मनाली का मनाली, ये कैस है कुल्लू। तो ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये मनाली में यहाँ देखने को मिलती है। दिस इज ऑल अबाउट द बायोडाइवर्सिटी ऑफ कुल्लू। वॉटरफॉल रहला और जोगनी, वॉटरफॉल कौन से, यहाँ रहला और जोगनी, ये वॉटरफॉल यहाँ देखने को मिलते हैं। देन रिवर्स हो गई है, पीक्स हो गई, पासिस हो गए, रेंजेस हो गई, वाइल्ड लाइफ हो गई, और क्या बचता है इसका कुल्लू का जियोग्राफी में, वैलीज हो गई, लेक्स, लेक्स भी आपको पता है कौन कौन सी थी कुल्लू में, जैसे डसर, देवरी, नैन सर, सरयोल सर, नैन सर है, सरयोल सर है, हंसा और मानतलाय और ब्यास ऋषि और ब्यास कुंड,
प्यास ऋषि एंड ब्यास कुंड, एक थैमचू थी। थैम सो है वो, ये सो है वो, चो है थैम सो। हंसा देवरी दशर नैनसर सरेवल सर, भृगु भी है एक। और एक सरिताल भी है, और एक सौरकुंडी। ये जो लेक्स है वो कुल्लू में देखने को मिलती है। दशहर देवरी नैनसर सरयोल सर हंसा मंतलाई ब्यास ऋषि ब्यासकुंड थैमसो भृगु सरिताल और सौरकुंडी। इसमें से मंतलाई इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पार्वती निकलती है ना। और जो ये सरोल सर है ये जलोड़ी के पास है, ये भी इंपॉर्टेंट है ना, रिलीजियस है लोग यहाँ। जो इनकी गाय, जब गाय कहते बछड़ा देती है, तो उनको जो पहला अपना वो घी और दूध है वो यहाँ डालना पड़ता है, इस लेक में डालना पड़ता है। तो ये भी एक जो है टूरिस्ट स्पॉट के लिए इसको डेवलप किया जा रहा है। जो हमारा अमृत सरोवर है, अमृत सरोवर जो प्रोग्राम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसके तहत इसको भी डेवलप किया जाएगा। सो दीज आर द लेक्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। फिर इसके बाद और यहाँ ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर आपको पता है कौन कौन से हैं? पार्वती ग्लेशियर और सारामुगा है, और धुंधन है, और डिब्बी डिब्बी बोकरी ग्लेशियर है, और एक टीचू, और एक ब्यास ऋषि भी है। तो ये जो ग्लेशियर्स है ये देखने को मिलेंगे। पार्वती, सारंगा, धुंधन, डिब्बी बोकरी, टीचू एंड ब्यास ऋषि। सो दीज आर द ग्लेशियर्स ऑफ कुल्लू। सो दिस इज ऑल अबाउट द जियोग्राफिकल एस्पेक्ट्स। रहा है कुछ जियोग्राफी में इसका? आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द जियोग्राफी। देन अगेन इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। इकोनॉमी में आप देखेंगे एग्रीकल्चर लेड इकोनॉमी है यहाँ की, और टूरिज्म, नाउ टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1870 में आरसी ली ने सबसे पहले जो है वो कुल्लू के बंदरोल में पहला बगीचा लगाया था। ये ब्रिटिश किस्म का पहला जो सेब है, जो ये अमेरिकन था ना, जो बड़ू बाग में पहला जो सत्यानंद स्टोक्स है कोटगढ़ में लगाते हैं, ये उससे भी पहले जो ब्रिटिश किस्म का सेब है वो आरसी ली के द्वारा 1870 में लगाया गया था। और उसके बाद जो पाथा बंसीलाल थे, इन्होंने सेव बाग में पहला बगीचा लगाया था। और एक एटी बैनन होते हैं, ये 1884 में इन्होंने मनाली में पहला जो ऑर्चर्ड है वो इनके द्वारा लगाया गया था। आज आपको पता है इकोनॉमी में जो है हिमाचल में एप्पल इंडस्ट्री का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। सो आरसी ली ये फर्स्ट ब्रिटिश थे जिन्होंने ब्रिटिश टाइप का जो सेब है वो कुल्लू में लगाया था बंदरोल में, और सेव बाग में पाधा बंसीलाल। और एटी बैनन कहाँ लगाता है? ये उसने, बंसीलाल ने लगाया था सेव बाग में, और एटी बैनन लगाता है
मनाली में ये जो सेब है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हामटा और जो कुना है वहाँ पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है, हामटा एंड कुन्हा। हामटा एंड जो कुना है वहाँ पर पोटैटो रिसर्च सेंटर है। बजौरा में इसका रिसर्च सेंटर भी है, वाइस परमार यूनिवर्सिटी का। और इंडियन एग्रीकल्चर जो रिसर्च सेंटर है वो कटराइन में भी है, बजौरा में भी है। वेजिटेबल का है कटराइन में और बजौरा में है एग्रीकल्चर के लिए। अंगोरा रैबिट फार्म है मोहाल में, अंगोरा रैबिट फार्म मोहाल, अंगोरा रैबिट फार्म है मोहाल में। शीप जो भेड़े हैं यहाँ कौन सी पाई जाती है, रेम बुलेट और रशियन मैरिनो, रेम बुलेट और रशियन मैरिनो। बड़े सारे जो उससे उसका जो ऊन है उसकी फर्निशिंग की जाती है, जिसमें जैसे दोड़ू स्टॉल टाइप का होता है, जो विमेन का एक स्टॉल होता है ना उस टाइप का, इसको दोड़ू बोला जाता है। ये बनाया जाता है एक लोई, लोई जो है एक जो बनाई जाती है ऊन की जो पट्टी होती है ना उसको लोई कहा कहते हैं ये। और पुलावली, पुलावली भी ये शॉल का ही नाम है, ये ऊन से बने हुए होते हैं पुलावली, कुलवी शॉल आजकल ज्यादा इसको नाम दिया जा रहा है, कुलवी शॉल है ना, इसको पुलावली भी बोला जाता है, दोड़ू भी बोला जाता है, और एक लोई है जो उनकी पट्टी बनी हुई है, ये इसके इससे बनाए जाते हैं। और फिर फिश देखेंगे आप, ये दो ब्रिटिश थे जिनका नाम था होबल और ओरबॉर्न, GCL होबल, GCL होबल और जनरल ओरबॉर्न, GCL होबल और जनरल ओरबॉर्न, इनके द्वारा यहाँ पर फिश की जो फार्मिंग है वो स्टार्ट की गई थी। इसके जो बीज है वो स्प्रेड किए गए थे लोगों में। आज आप देखेंगे जैसे ब्यास, मनालसू, सुजोइन, फोजल, कुरपॉन, इन रिवर्स में जो है ट्राउट और जो कार्प फिश है उनकी कल्टीवेशन की जाती है। और एक चक्की नाला में माहिली नगर के पास एक हैचरी भी है, माहिली, माहिली ये कहाँ है, चक्की नाला में, चक्की नाला में माहिली नगर के पास एक हैचरी भी बनाई गई है। पार्वती वैली में काइनाइट भी मिलता है, काइनाइट होता है एक एल्यूमिनियम का सिलिकेट होता है ये, काइनाइट कहाँ मिलता है ये, पार्वती वैली में। और कलथ में अंगोरा यूनिट भी है, अंगोरा रैबिट जो यूनिट है, फार्म तो कहाँ है माहौल में है ना, और इसकी जो एक यूनिट है वो कलथ में भी है। और बड़ी सारी आप देखेंगे ना जैसे शिंगरी है, धूप है, करू है, ये मेडिसिनल प्लांट्स है। आजकल आपको पता है हमारी स्टेट में तो ज्यादा नहीं देखने को मिलता, अगर कभी आप केरला जाओ तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है, क्योंकि केरला मच डेवलप्ड स्टेट है इंडिया का, तो वहाँ पर जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है इसके ऊपर बड़ा जो रिसर्च R&D उनके द्वारा किया जा रहा है ना। आपने देखा होगा रिसेंटली जो हमारा ये जैसे कैनबिस है ना, और ये जो अफीम है इसको कल्टीवेशन करने की भी बात कर रहे हैं, बल्कि भांग की खेती को तो गवर्नमेंट सोच भी रही है, उसके लिए एक कमेटी भी बनाई गई है, इसके प्रोस्पेक्ट्स देखने हैं, बिकॉज वो जो है बड़ा सारा उसको जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है या कैंसर्स है उसमें उसको मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा है। तो आप देखिए कि बड़ी सारी जो मेडिसिनल प्लांट्स है वो यहाँ देखने को मिलते हैं। तो इसी तरह का जो कटराइन, शमशी और बंजार है वहाँ पर इसके लिए हमने सेंटर बना रखे है ना, फूड फ्रूट प्रोसेसिंग है और जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स और जो फूड प्रोसेसिंग सेंटर है वो बंजार, शमशी एंड कटराइन में भी हमने बनाए हैं। और ये मेडिसिनल प्लांट्स जो यहाँ ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जिसमें शिंगी है और कड़ू है और हमारा और
है ये जो कड़ू शिंगी एंड कश्मल भी है, एक कश्मल भी एक टाइप का ये देखने को मिलता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, तो ये यहाँ देखने को मिलता है। तो ये है इसका हमारा इकोनॉमी जो पॉइंट ऑफ व्यू से है। और एक गोरसा में एनिमल फर जो फर है ना ऊन, उसकी प्रोसेसिंग के लिए गोरसा में है ये। तो ये सारे का सारा इसका ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है। फिर आप देखेंगे इसकी यहाँ की फेमस पर्सनैलिटी में एक नाम आता है लालचंद प्रार्थी का, एलसी प्रार्थी, लालचंद प्रार्थी, ये फर्स्ट मिनिस्टर भी यहाँ से रहते हैं। और आपने बुक भी हमने देखी कुल देश की कहानी जो इनके द्वारा लिखी गई है, डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा, राधा देवी, सुनील शर्मा, ये माउंटेनियर्स है सारे के सारे, पालचंद विलेज से ही बिलोंग करते हैं। डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा एंड सुनील शर्मा एंड राधा देवी है। ये सुनील शर्मा तो फर्स्ट माउंटेनियर है इंडिया के भी, इंडिया के नहीं हिमाचल के भी मेल में। और डिक्की डोलमा यंगेस्ट थी इंडिया की बनी हुई। डिक्की डोलमा, दीपू शर्मा, राधा देवी और सुनील शर्मा ये माउंटेनियर्स हैं। और ये कर्म भूमि रही है निकोलस रोरिक की। निकोलस रोरिक रशियन थे ये पेंटर, 1923 में पहली बार आए थे, फिर बाद में इनको ये जगह अच्छी लगी और 1929 में फिर से वापस आते हैं, और 1947 तक के लिए, फिर जब तक के लिए इनकी डेथ नहीं हुई, यहीं नगर में ये रहे, रोरिक आर्ट गैलरी। और हिमालयन द अबोड ऑफ लाइट, ये इनका फेमस वर्क है, हिमालयन, हिमालयन, हिमालय द अबोड ऑफ लाइट। फेमस पर्सनैलिटी जवाहरलाल नेहरू, राधिका देवी, देविका रानी, राधिका देवी नहीं देविका रानी है, उसको की फर्स्ट वीमेन भी बोला जाता है इंडियन सिनेमा की। और जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो लोग हैं टाइम टाइम पर यहाँ पर विजिट करे हैं। और हमारे जो ऋषि है जिसमें गौतम ऋषि है, ऋषि व्यास है, ऋषि भृगु है, जिनके नाम पर भृगु लेक पड़ी है, व्यास लेक पड़ी है ना, तो ये इनका टाइम टाइम पर जो है यहाँ पर इनका मेडिटेशन जो जगह है, प्लेस है, वो रहा कर हुआ करते थे। ऐसा माना जाता है कि मनाली में ही सबसे पहले जो मूर्ति पूजन है कुल्लू में ही हुआ है। मनाली का पुराना नाम था दाना आघे, दाना आघे जो है इसका पुराना नाम था मनाली का। और ऐसा माना जाता है कि यहीं से ही जो मूर्ति पूजा है वो स्टार्ट हुई है। और मनु कहते हैं अपनी जो हिंदू माइथोलॉजी है, अपनी नाव में सवार होकर के आए थे, और जो हमारी मनु, मनु कहते हैं ना, मनु ने सृष्टि बना रखी है, तो वो जो है अगेन ये जनश्रुतियां हैं, इसका कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है, तो यहाँ से लाइफ की उत्पत्ति भी मानी जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट कुल्लू। तो हमने देखा ये जो कुल्लू है जिसको कि अपने आप में एक वैली ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है, इसके क्या जो ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस है, क्या इसका जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है हमारी स्टेट के लिए रहता है, और क्या अलग अलग जो है यहाँ पर रेंजेज है, रिवर्स है, पासेस है ना, कौन कौन से ग्लेशियर्स है, कौन कौन सी जो लेक्स है वो देखने को मिलती है, हमने सब उसको डिस्कस किया।